नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। शरद पूर्णिमा पर शनिवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ग्रहण रात 1:06 से 2:22 तक रहेगा। शाम 4:50 पर लगेगा सूतक। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने सुनाई मौत की सजा। भारत को अब तक फैसले की प्रति नहीं मिली है। कतर में नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी मामले को कूटनीतिक या राजनीतिक तौर पर भी सुलझाया जा सकता है। सिंगापुर की एक अदालत ने 26 वर्षीय भारतीय नागरिक को 16 साल की जेल और 12 कूड़े मारने की सजा सुनाई है। 2019 में एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर छत्तीसगढ़ी भाषा में न डरना न झुकना नाम से एक वीडियो पोस्ट किया। कहा, ईडीआईटी वाले कुत्ते बिल्ली की तरह घूम रहे हैं, हम न डरेंगे न झुकेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और एमएनएफ सरकार की समाज कल्याण योजना की जांच का वादा। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स टिकट। सूची में दिवंगत लोक गायक गद्दर की बेटी जीवी वेनेला का नाम भी शामिल। इसरो ने कहा, जब चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो बहुत अधिक धूल उड़ी थी। इसे अंतरिक्ष यान के चारों ओर एक चमकदार पैच का निर्माण हुआ। इसे इजेक्टा हेलो कहा जाता है। वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। पाकिस्तान की लगातार 4थी हार, अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।